हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। अभी दोस्तों अच्छा न्यूज है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी यूट्यूबर सोहेब चौधरी वापस आ गए बैक। और फिर क्या है, उस दिन मैंने वीडियो लगाया ही था कि आबिद अली जो है, जो सोहेब का बेस्ट फ्रेंड है, उसने भी कहा था, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो जिसमें जितना काबिलियत है और जितना जिसके भाग्य में है, वो उसको आ रहा है, वो उतना मेहनत कर रहा है। सोहेब मेहनत भी करता है, मैं पहले भी बताई थी आपको अपने चैनलों में। तो जिसके जितना अंश है, जितना जिसके मेहनत है और जितना जितने जिसके भाग्य में है, वो आ रहा है, उसमें जेलस करके एक दूसरे को हार्म करने का, तो इसी से आदमी का पता चलता है कि ये तो पहले दूसरा चैनल से मुझे पता चला कि वो थोड़ी देर के बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन अभी आज मैं ये वीडियो लगा रही हूँ कि सोहेब चौधरी बैक होके जो है अपना क्या क्या हुआ वो अपना डिटेल अपना बता रहे हैं। तो आप लोग देखिए कि सोहेब चौधरी, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यूट्यूबर के साथ। अगर कोई मेहनत करता है तो उसको फल मिल रहा है, तो उसमें दूसरे का क्या जा रहा है, दूसरे का कोई, आप भी मेहनत करो ना, उससे प्रेरणा लो, उसको डैमेज करने के बजाय आप उससे प्रेरणा लो। और जिसका भी नाम ले रहा है वो जेलस करने के बजाय आप प्रेरणा लो कि उतना मेहनत करो, भाग्य आपका साथ देगा है। तो अभी मैं जो अब सोहेब चौधरी ने क्या क्या उसके साथ हुआ वो सारा डिटेल अपना इकवालिया बात बोल रहे हैं, या अपना जो बोलता है ना इकवालिया बयान, तो वो अपने आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या उसके साथ हुआ था खुद, नहीं तो अभी तक क्या था, कयास ही लगाया जा रहा था। तो अभी आप देखिए, इसके बाद फिर आपको जो सोहेब चौधरी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो एकदम कंडेम करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। कोई अगर होता है, अपने मेहनत से करो। तो कैसा लगा, क्या हुआ, उसके आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सोहेब चौधरी आया, अच्छी बात है, अच्छा कंटेंट पर काम करता है, अच्छी बातें बोलता है, सच को सच बोलता है, तो उसमें जो है ऑथेंटिक बात करता है। तो अभी मैं लगा रही हूँ। सब लोग जानते हैं, सोहेब के चैनल को भी फॉलो करते हैं, और कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि वो नजर नहीं आ रहे थे, उनके बारे में मुसलसल न्यूज चल रही थी कि मिसिंग है और कहाँ है कुछ पता नहीं लग रहा था। कई लोगों ने मुझे भी कॉन्टेक्ट किया, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि मैं सोहेब के बारे में वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाई कि मुझे कुछ सही बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या चल रहा है और क्या बोलना चाहिए। साथ साथ कर मेरी अपने भी एक प्रॉब्लम्स चल रही थी, आप लोग जानते ही होंगे, मेरे बारे में भी तरह तरह की गलत खबरें फैलाई गई कि जी ISI की एजेंट है, और उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ इंडियन यूट्यूबर्स जो हैं वो शामिल हैं, और उनको मैं क्या कह सकती हूँ सिवाय इसके कि अपने काम को बेहतर बनाए तो लोग आपको देखेंगे, किसी को गालियां देने से लोग आपको नहीं देखेंगे। बहुत शुक्रिया सोहेब, आज आप आए, थैंक यू सो मच। आरजू जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे बात करना बेहतर समझा। और मैं जब कल आया हूँ घर और मैंने मोबाइल अपना सबसे पहले जब देखा, मुझे कुछ लोगों की उम्मीद थी, मुझे ये आइडिया था, मैं मतलब ये टॉपिक की तरफ बाद में आते हैं, लेकिन मैं अपना माइंड बताना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ किया जा रहा था, मुझे आइडिया था कि मेरे अगेंस्ट प्रॉपर एक प्रोपोगंडा कर दिया गया होगा, मेरे मतलब जो भी मेरा चैनल पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ी उम्मीद थी कुछ लोगों से कि जो शायद मेरे लिए, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, आवाज जरूर उठाएंगे, बात जरूर करेंगे, उनमें से आपका भी नाम है। और बड़ा अच्छा लगा, चले आपने उस टाइम पे आपने बोला कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसकी वजह से आप वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन आपने अभी जैसे कॉन्टेक्ट किया और अभी प्रोग्राम कर रही है, इसके ऊपर बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी आप मेरे से पूछना चाहे, मैं आज ऐसा ओपनली बोलूंगा, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बगैर किसी डर के, बगैर किसी होप के। और जो लोग ये मतलब मेरी, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं कि अगर ये कहते हैं ये इसका एजेंट है उसका एजेंट है, तो मेरे पास बिल्कुल उसका लॉजिकल जवाब होगा,
आप जरूर क्वेश्चन करें। बिल्कुल, आजकल तो खैर हमें सब एजेंट बनाने पे तुले हुए हैं, मुझे भी कभी ISI का एजेंट तो कभी कुछ, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे सही बात समझ नहीं आ रही थी और मेरे पास आपके अलावा किसी का नंबर था नहीं और आपका नंबर नहीं चल रहा था। लेकिन आज मैं पूछना चाहूंगी शुएब, क्या हुआ था, कहाँ गए थे आप, कौन ले गया था, ये सब क्या सारा मामला है? आरजू जी, आपने देखा होगा कि जिस दिन मेरे साथ ये इशू हुआ है उसी दिन, मतलब एक रात पहले, एक हमजा नामी जो यूट्यूबर है या जर्नलिस्ट है या जो भी आप कह लें, आज के दौर में तो हर एक मतलब कैमरा ने पता नहीं 200 300 400 हजार के करीब जो है वो चैनल बना रखे हैं और हर एक जो है अपने आपको जर्नलिस्ट भी कह रहा है, यूट्यूबर भी कह रहा है, अच्छी बात है। अब वो आया मेरे पास, जिस तरीके से उसने मुझे जो है डीफेम करने की कोशिश की, पब्लिक के अंदर मेरे ऊपर जो है इल्जाम लगाए, इंडिया का एजेंट है ये, मोदी की फोटोज लगाता है, जब मैंने विद लॉजिक आंसर दिया कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, कुछ झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बताएं, अब उसके पास जवाब तो कोई था नहीं। और ये प्लानिंग ये नहीं थी कि वो अचानक आ गया, हमजा अचानक नहीं आया। मैं ये जो भी मैं इस वीडियो को स्टार्ट ये जो हम कर रहे हैं इससे पहले ये बिल्कुल क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी बात करूंगा विद प्रूफ बात करूंगा, विद लॉजिक बात करूंगा। हमजा तकरीबन 4 दिन से है मेरे, हमजा और उसके जो ग्रुप के फेलोज हैं, नायला शायला जो भी लोग हैं, वो 4 दिन से उनके लोग मेरे घर के इर्द गिर्द, मेरी लोकेशन के इर्द गिर्द मुझे फील्डिंग पे रखे हुए थे, रैकी कर रहे थे। मैं जिस मार्केट में जाता था, जहां पे भी जिस प्लेस पे भी जाता था, वो बाकायदा नजर रखे हुए थे। फिर उसके बाद अब एक सना अमजद नामी यूट्यूबर है, मैं मतलब मैं जानता हूँ उनको भी और हमजा के साथ जो भी उनके तल्लुकात है मैं जानता हूँ। एक दिन पहले जिस दिन मेरे साथ ये इशू होना था उसे एक दिन पहले उनके साथ एक ड्रामा किया गया जी, अटैक हो गया, सना अमजद को ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो वीडियो तो कहीं अपलोड नहीं हुई। फिर उसके अगले दिन मेरे साथ हुआ, फिर ये कहा जा रहा था कि भाई ये सीरीज है, मतलब हमने सना पे किया, सुहेब पे किया और ये मतलब एक सीरीज लेके चल रहे हैं। वो सीरीज सुहेब के बाद खत्म हो गई, मतलब सीरीज में 2 लोग ही थे। आगे 5-6 दिन गुजर गए इस बात को, आगे वो शायला नाम की जो लड़की है, जो नायला शायला और ये जो उसका राइट है, अगर मुझे कोई एजेंट कह रहा है उसका राइट है वो कह सकता है, लेकिन कोई प्रूफ दे दो भाई, कोई लॉजिकल बात करो। ये तो ना करो कि अगर सुहेब चौधरी आज इस्लामाबाद है तो इसका मतलब ये एजेंट है, अगर सुहेब चौधरी आज वहां। अच्छा अब मेरे साथ मसला ये है, पाकिस्तान में ये बताया जा रहा है ये इंडिया का एजेंट है, इंडिया में ये बताया जा रहा होगा कि ये पाकिस्तान में मतलब ISI का एजेंट है। मैं विद लॉजिक बात करता हूँ ना, लेट्स सपोज मैं रॉ का एजेंट हूँ, अगर मैं इंडिया का एजेंट हूँ, लेट्स सपोज, तो क्या पाकिस्तान की एजेंसी मेरे मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और मतलब इस टाइम पे पूरे सोशल मीडिया पे मुझे डिस्कस किया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान की एजेंसी खामोश सोई रहेंगी? मतलब ये एक लॉजिकल मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रॉ का एजेंट हूँ उनके लिए ये बात है कि अगर मैं रॉ का एजेंट हूँ तो क्या पाकिस्तान की एजेंसी को अभी तक नहीं पता होगा? मतलब आपको पता चल गया कि मैं रॉ का एजेंट हूँ लेकिन पाकिस्तान की एजेंसी को नहीं पता चला। अब कैसे आज मुझे मैं बात कम्प्लीट करना चाहता हूँ, इसी तरीके से अगर मैं ISI का एजेंट हूँ, लेट्स सपोज अगर मतलब जो कुछ लोग ये कह रहे हैं ISI का एजेंट है, अगर मैं ISI का एजेंट हूँ तो मेरे साथ ये मुश्किल आती क्या? अच्छा अगर मैं ISI का एजेंट हूँ तो मैं नैला शाला के लिए जो है ये हमजा वगैरह मुझे आके रोड पे इतनी हिम्मत करते मेरे ऊपर इस तरीके से करने की? लॉजिक मैं दे रहा हूँ ना, इसके पास किसी के पास काउंटर है तो मेरे सामने आए कि अगर रॉ का एजेंट हूँ तो ISI क्यों नहीं पकड़ रही मुझे? और दूसरे नंबर पे अगर मैं ISI का एजेंट हूँ तो ये हमजा जैसे ये गली मोहल्ले के जो मतलब जर्नलिस्ट या जो भी, मैं ऐसी अल्फाज नहीं यूज करूंगा, या नायला शाला जैसे लोग हैं, ये मुझे रोड पे इस तरीके से डिस्टर्ब करेंगे? मतलब इनकी इतनी हिम्मत होगी कि ISI के एजेंट को इस तरीके से डिस्टर्ब करें? खुदा के लिए थोड़ा सा अकल से काम लें। मैं देखने वालों से कहूंगा क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान में लोग बैठे हैं, इंडिया में इस तरीके से मैंने अभी तक नहीं देखा। इंडिया वाले डेफिनेटली देखें, हम यहाँ पे बैठ के इंडिया की बात करते हैं, इंडिया वालों का पूरा हक है कि वो उसके ऊपर काउंटर करें, मेरे ऊपर इल्जाम लगाएं, वो भी उनका हक है, लेकिन विद लॉजिक लगाएं, विद फैक्ट लगाएं। ऐसा ना करें कि आप किसी दूसरे की फेवर कर रहे हैं कि सुहेब चौधरी के व्यूज आ रहे हैं। और मुझे तो ये भी कहा जाता है जी इसने अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ऐसे किया होगा, यार कोई अपनी जान के साथ खेलेगा व्यूज बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, मगर शेफ कहाँ ले गए थे, आपको कुछ पता लगा वो लोग कौन थे? और मैं आपको बताता हूँ, देखें जिस दिन ये इशू हुआ, हमजा आया और हमजा ने 15 पे, ये कैमरे पे सारी चीजें मौजूद है, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं, इसने खुद 15 पे कॉल की और ये खुद कह रहा था अपनी वीडियो के अंदर, कह रहा था मैं अदारों की नजर पड़वाना चाह रहा हूँ, मैं पता नहीं किसकी नजर पड़वाना चाह रहा हूँ, पुलिस वाले मुझे लेके गए, ये तो वीडियो मौजूद है सबकी, सब हर एक ने देखी है। अब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि मुझे सेफ एंड साउंड घर पहुंचाते,
मैं ये क्लियरली कहता हूँ, मैं क्लियरली कहता हूँ कि रात को तकरीबन 3 बजे के करीब मुझे वहां से छोड़ा गया, लेकिन कैसे छोड़ा गया? मेरा मोबाइल, मेरा कोई भी चीज, मतलब मुझे खाली हाथ ये कहा आप चले जाए। मैंने कहा ठीक है, मुझे बताएं, मेरा सेल फोन तो दें, मैं किसी से कॉन्टेक्ट करूं, मैं अपने वकील से रब्ता करूं। हमजा को सेल फोन दिया गया, हमजा वहां पे रो रहा है। हमजा वहां, क्योंकि पहले जब हम गए पुलिस स्टेशन में, पुलिस को आइडिया नहीं था, क्योंकि हमजा को आइडिया नहीं था कि बात यहां से आके ऐसे जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना प्लान और किया था, जो भी उन्होंने प्लान किया था। तो अब पुलिस वाले के सामने जाके, SHO के सामने हमजा रो रहा है कि जी अगर आपने सुहेब को छोड़ दिया तो मैं जो उनसे वो रोने लग पड़ूंगा, ये कर दूंगा। जब उन्होंने बोला कि भाई ऐसे नहीं बात चलेगी, आप कोई फैक्ट के ऊपर बात करो, फिर इसने क्या किया, इसने कहा मेरी एक कॉल करवाए। मैं कहता हूं, मैं हल्फन ये बात करता हूं कि ये सारी जो मैं बात कर रहा हूं इसमें से एक बात भी झूठी होगी तो मैं उसके ऊपर जिम्मेदार हूं। इसने कहा मेरी एक कॉल करवाए, इसे मोबाइल दिया गया पुलिस स्टेशन में, इसे मोबाइल दिया गया। मैंने कहा मुझे मेरी वकील से बात करवाएं। इवन मैंने ये सोचा कि मैं अपना जो भी मेरे करीबी दोस्त हैं या मेरे कोई, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें बताना चाहिए। मैंने साजिद तारिक साहब को कॉल करने की कोशिश की, इन्होंने मुझे नहीं मोबाइल दिया, इन्होंने मुझे, मतलब मैं जिन जिन को कॉल करना चाहता था इन्होंने मुझे मोबाइल नहीं दिया, उल्टा मुझे ये कहा कि आप जो उनसे अपने मोबाइल का पासवर्ड दें, पासवर्ड दें मुझे। अब 3 बजे मुझे पुलिस स्टेशन से छोड़ा गया, मेरे साथ मेरा भाई था, और उसके अलावा जब जाहरी बात है मैंने किसी तरीके इंफॉर्मेशन दे दी थी पूरे, बल्कि वहां के सारे लोगों को पता था कि ये कौन से थाने की गाड़ी आई और कहां पे लेके जा रहे हैं। मेरे पीछे मेरे दोस्त आए, यानी 3 बजे, रात 3 बजे तक 2 गाड़ियां, मेरी एक, मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी जिसमें मैं था और मेरा भाई था वो, और एक मेरे दोस्त आए थे, चार पांच दोस्त थे उनकी गाड़ी, 2 गाड़ियां पुलिस स्टेशन के बाहर मेरी खड़ी रही हैं कि भाई कब इसे छोड़ा जाएगा, कब छोड़ा जाएगा, क्या मामला होंगे। आप ये सोचें कि 4 घंटे के करीब मुझे पुलिस स्टेशन में बैठाया गया, मेरे से कोई सवाल भी नहीं किया गया, मुझे कुछ पूछा भी नहीं गया, और फिर 4 घंटे के बाद मुझे ये भी कह दिया गया कि आप चले जाएं, आप कल आके अपना सामान ले जाइएगा। ये भी नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि कल आएंगे तो आपका केस सुनेंगे और ये करेंगे। मतलब मकसद सिर्फ ये था किसी तरीके से पुलिस स्टेशन से आउट किया जाए, पुलिस स्टेशन से बाहर जाए, जो आगे हमजा का प्लान था या जो भी जिसका प्लान था। देखिए मैंने कोई देखा तो नहीं कि हमजा ने मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठाया और मुझे किडनैप किया। मैं हमजा, और ये अगर मैं मुझे चीजों का, क्योंकि आप तो 4 दिन के बाद आए ना थाने से, तो आपको पहले दिन छोड़ दिया, बाकी रात को 3 बजे मुझे छोड़ा गया। मुझे आइडिया हो गया था कि जिस तरीके से मुझे बिल्कुल आराम से छोड़ दिया गया, कुछ ना कुछ दाल में काला है, मुझे आइडिया हो गया था। मैंने अब पूरे लाहौर में, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ लोक भाई के प्रोग्राम में, कि पूरे लाहौर में मेरे लिए सबसे महफूज जगह पंजाब यूनिवर्सिटी है। आपको शायद आइडिया होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का ये कानून है, रूल है कि पुलिस भी पंजाब यूनिवर्सिटी में इंतजामिया की इजाजत के बगैर नहीं आ सकती, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। पंजाब यूनिवर्सिटी से ही किया है तो, हाँ तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का रूल है कि इंतजामिया की इजाजत के बगैर कोई भी पुलिस वहां पे नहीं एंटर हो सकती, किसी भी स्टूडेंट को अरेस्ट नहीं कर सकती। मैंने अपने भाई को घर छोड़, मैंने, हमने ये सोचा कि मुझे आइडिया हो गया था मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ ये करेंगे, तमाशा लगाएंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। अपने दोस्त जो मेरे साथ गाड़ी पे थे, दूसरी गाड़ी पे, वो अपने घर चले गए। मैं अपने अपने घर में आ रहा हूँ, अपने भाई को हम रस्ते में डिस्कस कर रहे हैं कि यार अब आगे क्या किया जाए। तो हमने यही फाइनल किया कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए जब तक ये मामला बेहतर नहीं होता, ताकि अगर मुझे कहीं पे कोई इशू होता है तो पंजाब यूनिवर्सिटी के कैमरों में मैं सारी ये चीजें आ जाएं। मैंने अपने भाई को घर उतारा और मैंने उसे बोला कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, क्योंकि डिस्कशन हमारी हो चुकी थी, मैं निकला हूं पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, घर से बाहर निकला हूं, थोड़ा आगे गया हूं, मतलब इसी दौरान मुझे आए हैं, गाड़ी में आए हैं, मुझे खींचा है और मुझे बैठा लिया गया, और 1 घंटा या इसके राउंड बोर्ड 40 मिनट इसके राउंड बोर्ड ड्राइव हुई है, और मुझे जाके एक कमरे में जो था वो धिक्का दिया गया, उसे बंद किया गया, मेरे हाथ में एक पैकेट पकड़ाया गया, जो 3 दिन मेरा वो उस पैकेट के ऊपर ही मैं रहा हूँ, उसमें रस थे, उसमें पानी था, और मैं ये कहता रहा हूँ कि यार मेरे से मिस्टेक हो गई होगी कोई, मैं कोई गलती कर दी होगी, आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर सॉरी करता हूँ, मैं बात को खत्म करता हूँ। मैंने वहां पे कोई बड़ा कोई वो तो नहीं बोला कि नहीं जी आप जो भी कर लो, मैं अपनी ये करूंगा वो करूँ। मैंने बोला कि यार मुझे बताएं आखिर इशू क्या है, और आप हो कौन, मतलब आप किसी अदारे से हैं, आप कहाँ कोई, मतलब जो भी आप कर मुझे बताएं, जो इशू है, जो मुझसे मिस्टेक अगर हुई है या आपको मेरे से किसी चीज पे गुस्सा है आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर आपको बैठ के डिस्कशन करते हैं, बात खत्म करते हैं। मुझे बताया तक नहीं गया, सिर्फ टॉर्चर करना मकसद था। मुझे इतना जरूर कहा गया कि भाई जिनके आगे तुम हीरो बने हो, जिनके आगे तुम हीरो बने उनके आगे भी तुम्हें जीरो बनाया जाएगा, ये बात प्रॉपर मुझे की गई, और फिर मेरी वीडियोस रिकॉर्ड की गई हैं।
जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं मतलब अगर मेरे से कुछ गलत हुआ है तो आप मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर बैठ के बात करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, जाहिर बात है उस टाइम मैं घबराया था, मैं परेशान था, बिल्कुल बिल्कुल होता है। अब ये वीडियो आएंगी, मेरा जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से ये वीडियो सामने आएंगी, आ जाए 10 दिन बाद आए, कि जिसमें मैं बैठा हूँ मेरी आंखों में पट्टी और मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे माफ करें, क्या जो भी मिस्टेक मेरी हुई है मैं उसके ऊपर पूरी करता हूँ, तो मैं तो ओपनली कहता हूँ। ये अब 4 दिन बाद मुझे वहां पे फिर, अब देखिए ये प्रॉपर जो चीज की गई यार, पीछे प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे किया गया। मैं हर एक बात विद फैक्ट विद लॉजिक प्रूव कर सकता हूँ और मैं प्रूव करूंगा भी। अगर यार आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं शेब, आपको इतना कंफर्म है कि इन्हीं लोगों ने करा, और ये लोग इतने पावरफुल कैसे हो गए ये मीडिया हाउस, अब ये लाहौर रंग है या जो भी है, ये 30,000-40,000 इनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं, और ये लाहौर का कोई लोकल सा चैनल है, अभी किसी ने मतलब ये लाहौर रंग के नाम से एक चैनल है। अब ये क्या करते हैं, ये लोगों को देखते हैं कौन लोग मतलब किसे किस तरीके से ब्लैकमेल किया जाए, किसे किस तरीके से डिफेम किया जाए, या किसे किस तरीके से अपना मकसद की बात करवाई जाए। हमजा नायला शैला ये एक प्रॉपर गैंग है ये, और मैं ये भी गारंटी से कहता हूँ कि ये नहीं तो इनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ये लोगों को प्रॉपर कहते हैं कि भाई इतने लाख हमें दो तो आप जो मर्जी करते रहो। हाँ ये भी है यहाँ पर, मैं ये गारंटी, मैं तो ये चीजें सामने लेके आऊंगा ना कि ये चीज़ें। आप आशु जी बताइए क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, क्या नहीं पैसे मांगे जाते? लेकिन मैं नहीं दूंगा पैसे, मैं क्यों पैसे दूं और मैं क्यों किसी के कहने पे कुछ बोलूं। अब आपने बोला कि ये नायला शैला इतनी मजबूत है या हमजा इतना मजबूत है, नहीं नायला शैला क्या वो आज से 2 साल पहले अगर बात करें या अभी भी अगर बात करें, मैं उन पर्सनल या फैमिली के ऊपर नहीं जाना चाहता, मुझे पता है कि वो किस घर में आज से 1.5 साल पहले रहती थी, मुझे वो भी पता है, आज वो DHA में रह रही है ये भी पता है, और उसके अलावा अगर हमजा की बात करें मैं उसे आज का नहीं जानता, मैं उसे 2-3 साल पहले का जानता हूँ, 4 साल पहले का जानता हूँ, वो तो डिप्रेशन का मरीज था, उसे तो कोई न्यूज चैनल काम नहीं देता, उसे तो कोई न्यूज चैनल काम दे, मैं कहता हूँ उसे कोई यूट्यूब पे चैनल पे काम नहीं था देता, और ये मैं नहीं कह रहा उसके अपने साथी कह रहे हैं उसे आपसे तो मैं अच्छा। फिर मुझे गद्दार कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का गद्दार है, मैं आपके चैनल पे बैठ के ये कहना चाहता हूँ कि हमजा नामी ये जो बंदा आया, जितना ये 2 साल में कमाता है ना, 2 साल की जितनी इसकी सैलरी है उतना मैं सिर्फ 1 मंथ में अपने बिजनेस से, अपने यूट्यूब चैनल से जो मेरे रेवेन्यू आता है 1 मंथ में सिर्फ उतना पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ। फिर बता दूं जितना हमजा 2 साल में कमाता है उतना मैं 1 मंथ में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ, और ये मुझे गद्दार बोलेगा? गद्दार का सर्टिफिकेट तो आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत आराम से बांट दिया जाता है, और अगर किसी को नहीं मिला तो उसे परेशान होना चाहिए, अगर गद्दारी का सर्टिफिकेट मिला इसका मतलब आप सही काम कर रहे हैं। आजू जी आप सोच को देखें ना, लेट्स सपोज मुझे आपकी सोच से मसला है, मैं एग्जांपल के अगर मैं लॉजिकल हूँ मैं आपको कहूंगा आजू काजमी आए मेरे प्रोग्राम पे, मैं आपको बताता हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं, या फिर मैं आपके घर और मैं या आपके रोड पे गुजर के कहूंगा जी गद्दार पकड़ लिया, गद्दार पकड़ लिया। मैं चैलेंज करता हूँ हमजा को, आओ 1-to-1 मेरे साथ बात करो, तुम अगर माफी मांग के ना उठे, तुम भागे ना, तुम रो के ना उठे, तो फिर मुझे कहना आओ 1-to-1 मेरे साथ बात करो। ये लोगों में जा थंबनेल दिखा के, ये थंबनेल दिखा के, ये देखे जी ये मोदी की फोटो लगाई है, ये देखे जी ये इंडिया की बात करता है लोगों को, आपको नहीं पता अर्जु जी के मजहब के नाम पे और इंडिया के नाम पे पाकिस्तान में किसी के ऊपर भी आप गद्दारी का टैग लगा सकते हैं? बिल्कुल बहुत आसान है ये, तो और बहुत आम है ना। आज भी मैं ओपन चैलेंज करता हूँ हमजा को, आओ 1-to-1 मेरे साथ बात करो, तुम्हें तो यही नहीं पता कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा कब बना, तुम्हें तो यही नहीं पता आप कश्मीर की, तुम बात करते हो बड़े हमदर्द बनते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तुम्हें तो यही नहीं पता कश्मीर इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात कर रहा हूं है या नहीं है, तुम्हें तो ये नहीं पता कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है। लेकिन बहरहाल इस किस्म की हरकतें नहीं होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को परेशान करना, आपके घर वाले यकीनन आपके पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो गए होंगे, और ये एक बहुत गलत हरकत की गई है, और इसके ऊपर यकीनन आपको इनके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए और रजिस्टर करवाएं, और कानून है भाई FIR क्यों नहीं करवाई आप? ये काइंडली ये चीज अपने देखने वालों को जरूर बताइएगा, जो मेरे भी देखने वाले हैं, पाकिस्तान में ये कानून है, आप जाके चेक करें कि 48 घंटे से पहले अडल्ट के ऊपर अगर कोई अडल्ट लाया जाता है, गुमशुदा होता है, या उसके घर वालों को उसकी खबर नहीं होती, तो 48 घंटे से पहले FIR नहीं कटती। और जाहिल इंसान जो लोग बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं, पता नहीं
कैसा बैठ के प्रोपोगंडा करते हैं। मैं कानून का स्टूडेंट हूँ, आप मुझे नहीं, आपको इन लोगों के खिलाफ करना चाहिए ना FIR, जिन्होंने आपके आपके खिलाफ काम किया है वो कह रहे हैं। क्योंकि मुझे यही कहा जा रहा है कि जब मेरे मेरे घर वालों पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि अगर इनका बेटा उठाया गया तो FIR क्यों नहीं कटवाई। और मैं यही कह रहा हूँ कि 48 घंटे से पहले FIR नहीं हो सकती, कंप्लेन हो सकती है और वो हमने करवाई, रिपोर्ट हो सकती है वो हमने करवाई। अब उसके बाद FIR जब मैं करवाने हम लोग जा रहे हैं तो हमें ये कहा जाएगा कि भाई आप नामालूम अफराद के खिलाफ करवाओ। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR करवाने का मकसद यह है कि इसको खत्म कर दो, जबकि मैं तो नामालूम अफराद के खिलाफ नहीं करवाना चाहता। मुझे पता है किन लोगों ने किया है, मतलब मुझे शक है। मैं आपके प्रोग्राम पे ओपनली कहता हूँ, अगर आइंदा भी मेरी जान को, मेरे घर को, मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी गाड़ी को या मेरे इर्द गिर्द किसी को भी नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार नायला शाला, उसके जिम्मेदार हमजा और ये सना और ये जो गैंग है, ये जो फ्लॉप गैंग है जिन्हें कोई काम नहीं मिलता, जिन्हें मेरे नाम पे व्यूज मिलते हैं तो वो मेरे नाम पे आ जाते हैं, जिन्हें मतलब कोई, मैं क्या आपको बोलूँ पार्थू जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन खैर मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सारी न्यूज देख कर और सुनकर भी, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना पड़े कि कोई भी आपको या कोई भी आपके जैसा जो काम कर रहा है उसके साथ इस किस्म की हरकत कर सके। इसके ऊपर यकीनन एक्शन होना चाहिए और आप आराम से नहीं बैठिएगा इन लोगों को जब तक सजा ना दिलवा दे, भूलिएगा नहीं। आरजू जी ये मैं आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर मैं ऐसा स्टेप लेने वाला हूँ जिससे बहुत से लोगों के बहुत से जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको सोहेब चौधरी का डिस्कशन आरजू काजमी के साथ और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूँ। तब तक इतना ही, नमस्कार।